दोस्तों, पहला प्यार हमेशा सबकी ज़िंदगी में नई उमंग लाता है, लेकिन वह मुकम्मल ना हो तो दिल के हजार टुकड़े भी कर जाता है। हालांकि ज़्यादा दुख तब होता है जब कोई अपने पहले प्यार को पाले और अगले ही पल उसे खो भी दे। क्या ऐसा कभी होता है? तो कभी दूर न जाकर बॉलीवुड के 70 के दौर में अपनी खूबसूरती और चंचलता से लोगों का दिल जीतने वाली लीना चंदावरकर की ज़िंदगी में झांक लेते हैं। फिल्मी पर्दे से काफ़ी समय से दूर इस चर्चित अभिनेत्री की निजी जिंदगी आज भी चर्चा में रहती है। उसकी वजह आपको इस वीडियो से पता चल जाएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए जानते हैं लीना की लव लाइफ से जुड़े किस्सों के बारे में। दोस्तों, एक्ट्रेस बनने का ख्वाब लेकर माया नगरी मुंबई में आई लीना रातों रात स्टार बन गई थी। लेकिन क्या आपको पता है कि फिल्मों में छाई इस अभिनेत्री की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म से कम नहीं रही। उनका प्रोफेशनल करियर चाहे कितना भी टॉप क्लास का रहा हो, लेकिन निजी जिंदगी बेहद धूप भरी रही। लीना के जीवन में दुख की कहानी उनकी जिंदगी में पहले प्यार की दस्तक से शुरू हुई। अपने करियर में मुकाम हासिल करने वाली लीना की आंखें सिद्धार्थ बंदोदकर से लड़ गई थी। इंडस्ट्रियलिस्ट के प्यार में इतनी चूर थी कि उन्होंने करियर के पीक पर उनसे शादी रचा ली। पहले प्यार को पाकर लीना बेहद खुश थी, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तैयारी कर रखी है। दोस्ती, प्यार और फिर शादी, सिद्धार्थ के साथ घर बसा चुकी लीना सुकून भरी जिंदगी जीने की आस कर रही थी, लेकिन उनके सभी सपने शीशे की तरह टूट कर बिखर गए। दरअसल शादी के महज 11 दिन बाद ही सिद्धार्थ की मौत हो गई। इसके पीछे लीना के पति की एक गलती थी। कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने गलती से अपनी रिवॉल्वर साफ करते हुए खुद को ही गोली मार ली थी। तमाम इलाज के बाद भी सिद्धार्थ की जान नहीं बच सकी और इस दर्दनाक घटना की वजह से लीना 26 साल की उम्र में ही विधवा हो गई। यह घटना उन्हें ऐसा दर्द दे गई जिसे अपने जीवन से निकाल पाने में लीना असफल रही। जब जब अभिनेत्री इस घटना को भूलने की कोशिश करती, तब तब दुनिया वालों के ताने उन्हें इसे भुलाने नहीं देते थे। इन सभी बातों से लीना डिप्रेशन में चली गई। इसके बाद अभिनेत्री की जिंदगी में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने न केवल उनको संभाला बल्कि उनकी जिंदगी में फिर से बहार ला दी। समाज से मिले तानों के बाद भी लीना ने हिम्मत नहीं हारी और अभिनेत्री ने फिल्म प्यार अजनबी है से बड़े पर्दे पर वापसी की। किशोर कुमार के निर्देशन में बने इस फिल्म से लीना और निर्देशक काफी करीब आ गए थे। किशोर कुमार लीना चंदवाकर से प्यार करने लगे थे और उन्होंने अभिनेत्री को प्रपोज कर दिया। हालांकि उन्होंने उन्हें साफ इनकार कर दिया था, लेकिन किशोर ने हार नहीं मानी और उन्हें मनाते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और लीना ने हाँ कर दी। जब अदाकारा ने हामी भरी तो उनके पिता इस रिश्ते के खिलाफ हो गए, क्योंकि किशोर कुमार पहले से ही 3 शादियां कर चुके थे। हालांकि किशोर अपनी जिद पर अड़े रहे और दोनों ने शादी रचा ली। सात फेरे लेने के बाद खुलासा हुआ कि लीना शादी के समय 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। अभिनेत्री ने एक इंटरव्यू में बताया कि किशोर कुमार और उन्होंने कोर्ट मैरिज के बाद हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी और उस शादी के दौरान वह प्रेग्नेंट थी। वेल दोस्तों, ये था लीना चंदावरकर का जिंदगी से जुड़ा कड़वा सच। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय।